Hello guys, welcome back and we'll be soon. This is Manvi. Today we are going to react on Science versus Commerce Chapter 2 by Ashish Chanchalani Vines. So दोस्तों आप सबके सजेशन देखिए यार पुरानी वीडियो पे रिएक्ट किया था, तो चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वो बहुत 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 अच्छा था। और उसके बाद है ना क्रिटिसाइज भी काफी किया लोगों ने कि यार साइंस कॉमर्स के बारे में ऐसा किसी काफी लोगों ने बोला कि उस क्रिटिसाइज के रिजल्ट चैप्टर 2 में क्या निकला और उन्होंने क्या करा, आशीष ने उस क्रिटिसाइज को कैसे लिया, सब देखने चलते यार, देखने चले फिर अभी क्या हो। यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए, इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। सही बात है। डिकंपोजिशन ऑफ लिक्विड हैपेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। एनी डाउट्स? सर जब हम कैथोड डालते हैं, एनोड डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो सर जो सोडियम के एटम्स है सर वो कार्बन कैथोड से क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्लोरीन को छोड़ के वो कार्बन के पास क्यों जाते हैं सर? ये मेरे को नहीं समझ आ रहा है सर, प्लीज कैन एक्सप्लेन मी। ओके, एनी डाउट्स? एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ डाउट। यस सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, व्हेन आई केम फर्स्ट डे टू दिस क्लास सर, करीना पहले आकाश के साथ बैठी थी, देन करीना नेक्स्ट डे विवेक के साथ बैठी थी, ठीक है, उसके बाद तीसरे दिन करीना नेक्स्ट डे नंगे कुणाल के साथ बैठी। सर करीना मेरे साथ क्यों नहीं बैठी? मेरी शक्ल पे टट्टी लगी हुई है, मैं नाश्ते में बच्चे खाता हूँ, प्रॉब्लम क्या है सर? और तुम्हारे क्लास में ऐसा क्यों होता है? मैं ठोक दूंगा तेरे को, ठोक दूंगा। मैं ठोकूंगा। सुन ना, चल बायो प्रैक्टिकल बंक करते ना आज। ओह क्या बंक? तुझे बायो प्रैक्टिकल बंक करना है? तुझे पता है मुझे बायोलॉजी से कितना प्यार है, तुझे पता है ना मुझे बचपन से डॉक्टर बनना है, मेरा एक ही सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, लोगों को ठीक करूं। अरे डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ, और तू बायो प्रैक्टिकल बंक करने की बातें कर रहा है। बायो प्रैक्टिकल बंक करना है, चल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करते, और जो बताएंगे वो करना है अच्छे से। तो आज हम करने वाले हैं मेरा फेवरेट प्रैक्टिकल, एंड ये प्रैक्टिकल करेगा आशीष। थैंक यू सर। काफी इनोसेंस ही लग रहा है ना फेस पे, ना क्या कर रहा है सर? माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन को एडजस्ट करना है। नहीं, फिर आज हम करेंगे डाइसेक्शन ऑफ कॉकरोच। डाइसेक्शन मैंने फ्रॉक का किया है। Hold it like a pen. Yes, like this. गिरेगा क्या? मुझसे नहीं होगा सर। सर वो पड़ी है सर, मेरे को घूर के देख रही है तो मेरे को काटने वाले सर, किसी की माँ बहन बाप भाई कुछ तो होगा सर, घर में परिवार वेट कर रहा होगा, मैं क्या करूँ सर? काटा हूं मैंने सर, मुझसे नहीं होगा। कांट बी अ डॉक्टर। नहीं किया ना तो फेल कर दूंगा। ठीक है सर, अभी करता हूं। भाई सुन, तो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट को ज्योग्राफी सब्जेक्ट में चेंज करने का फॉर्म इधर ही मिलता है। इधर ही थैंक यू। चेंज कर दिया सही। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं कॉमर्स लूं या साइंस? अरे भाई तेरे को बोल रहा हूं कॉमर्स ले। ये आशीष साइलेंट कर। अबे मेरे फोन का टेंशन ही नहीं है, ये Asus का नया Zenfone 5Z है, ये बैकग्राउंड नॉइस के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिंगटोन एडजस्ट कर लेता है। AI टेक्नोलॉजी है इसमें, वैसे भी फोन बजा ना बजा अपने को क्या टेंशन है, अपने कॉमर्स की टीचर है, कुछ बोलते थोड़ी है, अरे अपने भाई जैसे टेंशन क्यों है। वो मेरे भाई सर, फोन दे मेरे भाई, फोन दे। सर आई एम सॉरी सर। पहले अपने पेरेंट्स को लेके ना फोन लेके जाना। सर आई एम सॉरी सर। सर ये होता था यार, तुम्हारी भी फोन कहने काफी। अरे कॉमर्स के टीचर इतने लीनियंट भाई जैसे रहते, भाई जैसे। अरे मैं सुन ना, नोट्स के फोटो भेजना यार। हां एक मिनट। अबे क्या टट्टी फोटो क्वालिटी है तेरे फोन की, क्या वीवो के फोन यूज कर रहा है। रुक मैं तेरे को अपने Zenfone 5Z में खींच के दिखा दो फोटो। ये देख, ये फोन में ना AI सीन डिटेक्शन है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली देख इसने अभी टेक्स्ट मोड ऑन कर दिया है। इसमें ऐसे टोटल 16 AI सीन डिटेक्शन टाइप्स हैं। टट्टी फोन लेके घूमोगे तो टट्टी फोटो ही आएंगे ना। हाँ भाई कौन सा चैप्टर है ये? भाई चैप्टर नहीं है, एक आंसर है। क्या? हाँ तो देखो पता नहीं है क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत बड़ा आंसर है। और कॉमर्स के सब्जेक्ट इतने इजी, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। लिख रहा है मैं ऐसे लिखता था, नीचे लेट कर मैं लिखता था। सर पेपर हो गया, पूरा पेपर भर दिया सर थियरी से। ले लो सर। ये इंट्रो तो बढ़िया लिखा है, उस पर पूरे 1 मार्क तो पक्का मिलेंगे। बाकी का आंसर करो। कॉमर्स के एग्जाम्स इतने इजी होते, इतने इजी होते, मतलब मार्क्स तो यू मिल जाती है भाई, यू। आसम आ रहे हो से लई चावी। ओह बैकग्राउंड कितना मस्त है यार ये। हाँ हम भी कर यार, करवा दो सर। और 200 सप्लीमेंट दो। 200 सप्लीमेंट यार, ये LHS RHS इक्वेट ही नहीं हो रहा है। पहले लेफ्ट साइड सॉल्व किया, उसके बाद राइट साइड सॉल्व किया, इक्वेट क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ का साइन यहाँ के कॉट से नहीं मिल रहा है, यहाँ का कॉट सॉल्व है तो यहाँ पे साइन पे नहीं आता, क्या है यार ये? देख भाई, इस देश में मैथ्स ऐसी चीज है ना, तू अगर 2 स्टेप में इजीली निकालेगा ना कोई भाव नहीं देगा, लेकिन अगर वही सम तू 8 स्टेप में घुमा के, हे परमात्मा मैं तेरा थ्योरम ठोक के लगाता हूँ, कर देगा ना तो सॉल्व हो जाएगा, मार्क्स भी मिल जाएंगे। अभी इधर तू लिख, मैं मेरे बाप का थ्योरम लगाता हूँ, यूलर तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ डाल। लिख मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 0, LHS into 0 is equal to 0, RHS into 0 is equal to 0, 0 equal to 0, therefore since hence proved LHS equal to RHS, टीचर भी खुश, तू भी खुश, भगवान भी खुश, जा जाके नारियल फोड़। सही यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अबे यार बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, सारी एंट्रीज लिख दी, एडजस्टमेंट भी लिख दी, तो भी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। मेरी कभी नहीं हुई। मेरी बात सुन, मैं तेरे को सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ। हाँ हाँ, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल में लिख दूँ। अबे वो मैं बचपन में करता था। इधर लिख, क्या लिखेगा? ये मेरा सारा काम मेरा अकाउंटेंट देखता है, उसको जाके कॉल करो, मगजमारी वो देखता है। डिफरेंस कितने का? 100 रुपया। अरे 100 रुपया, 100 रुपया ले, चिपका, ऐसा लगा, थूक लगा के लगा, सबमिट कर पेपर, टीचर देगा 100 रुपया, टीचर खुद टैली करेगा, तुमको घर पे मार्क्स देके जाएगा, टीचर खुश, तू खुश, भगवान खुश, जा जाके नारियल फोड़। सही है यार, तुमने सोचा ही नहीं। भाई तू असाइनमेंट करके लाया? नहीं यार, बायोलॉजी के चक्कर में सब भूल गया। भाई तू? नहीं भाई, मैं भी भूल गया। बाकी सब किसी ने किया असाइनमेंट? ठीक है, तो एक काम करते, सर को बोलते आज कोई भी असाइनमेंट नहीं करके आया है, असाइनमेंट की डेट पोस्टपोन करवा देते, क्या बोलते हैं? ओके, चलो असाइनमेंट सबमिट करो। सर एक्चुअली आज कोई असाइनमेंट करके नहीं आया, तो सर हम सबकी रिक्वेस्ट है आपसे कि सर प्लीज असाइनमेंट की सबमिशन डेट पोस्टपोन कर दो। सर डेट वेट पोस्टपोन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरा असाइनमेंट रेडी है। आप पाल के रखे थे हम इस क्लास में, साफ मारो सारे, मारो मारो मारो। अरे यार आज असाइनमेंट का लास्ट डे है, सबमिशन का। कितने लोग करके असाइनमेंट? फाड़ दे, यही फाड़ दे। लोग 20 और असाइनमेंट 3। चलो टेंशन नहीं करो, आज सबके असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। कैसे? मेरे पास एक फाड़ू आएगा। तो ये क्या स्पीड है? वो एक ही हो, बाद में क्या करेगा? उस वाला मोटर ही हो जाएगा ये। समझे सब बस। क्या कर रहे? सर वो नाम का पेज लगाना भूल गया था। नाम तो जरूरी है। हाँ सर, आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे लोग कितने आरामी है, एक दूसरे का सबमिट कर देते हैं। सर वो तो बात सही है, अपना नाम डालते ऊपर से। चलो सर चलते। सर नाम है। BKP के सब्जेक्ट आराम खोरो। चलो बच्चों अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। राम प्रेजेंट सर, हरि प्रेजेंट सर, शंकर प्रेजेंट सर, आशीष प्रेजेंट सर, गंगोधर सर वो एब्सेंट है। क्यों? सर उसके घर पे बहुत लिमिट्स है सर, क्योंकि सर उसके माँ बाप ना उसका डेरिवेटिव निकाल निकाल के उसको अलग कर रहे हैं। लेकिन सर हम लोग है ना उसके फ्रेंड्स, सब इंटीग्रेट कर देंगे। फ्रेंडशिप इज स्ट्रॉन्ग, hence proved। रोहित सर वो नहीं आया सर। क्यों बेटा? 17-17 घंटे पढ़ता है सर, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई है उसको, बेचारा गरीब का बच्चा, साइंस ले लिया इसको। हेलो बेटा, बेटा तो कॉमर्स ले, कॉमर्स। सॉरी सर। वासु सर वो पिछले हफ्ते मर गया। क्या? आरडी शर्मा के बुक के नीचे दब के मर गया सर। जिंदगी हमारी पैराबोला बन गई है सर, कब ऊपर कब नीचे। अभी सर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो क्या डेरिवेटिव लगाऊंगा उस पे? मुझसे अटेंडेंस नहीं होगा, नहीं होगा। चलो पढ़ाई करते हैं। चैप्टर नंबर आ गए साले मनुष। ये तो पगार अच्छी है, नहीं तो एक एक को घर पे आके गोली मार के जाऊं। अटेंडेंस ले रहा हूँ। प्रेजेंट सर। अंकित प्रेजेंट। अभिषेक प्रेजेंट। आशीष प्रेजेंट सर। ये भी है साला। फिर से लेगा मेरी। भुवन प्रेजेंट सर। अमित प्रेजेंट सर। प्राजक्ता प्रेजेंट सर। कौन बोला बे? हर्ष सर वो आज से नहीं आएगा सर। क्यों बेटा? उसकी मर्जी नहीं आएगा तो तुझे क्या करना है? अटेंडेंस ले। चोटिया साला, चोटी बन के घूमता। चोटी निकुंज सर उसको गाड़ी ने ठोक दिया। तुषार सर वही गाड़ी चला रहा था। ऋषभ उसको कुत्ता खा गया। I mean, उसका होमवर्क कुत्ता खा गया। काम करना अपना तू। साले की चोटी काट के मुंह में डाल दूंगा। जशन सर उसकी पड़ोस की बीवी सर प्रेग्नेंट है। तो अरे तो सर उस बीवी का पति 2 साल से घर नहीं आया। तो उसका इससे क्या? अबे तेरे को टीचर किसने बनाया? दिवेश सर वो बारिश में गीला हो गया। तो हाँ तो घर बैठ के सूख रहा है वो। सिमरन नहीं देगी। I mean, नहीं आई है। साला दाढ़ी वाली औरत। दाढ़ी वाली औरत। रोहित 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 एब्सेंट है सर। कमाल है, ये किया था यार। एक महीने से नहीं आया। एक महीने से आ रहा है बट लगा मार का हो गया यार ये। सर वो लोनावला गया अपनी आइटम के साथ। अबे तू क्या हंस रहा है? तेरी आइटम के साथ ही है। ओके दोस्तों ये थी अमित की वेरी काम कॉमन स्टूडेंट्स, वेरी पीस, वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी बोरिंग बायो स्टूडेंट्स। साइंस स्टूडेंट्स हाँ होते होंगे यार बायो साइंस वाले। हम तो थे नहीं बायो वाले, हम बायो वाले नहीं थे ना, हमसे साइंस वाले थे ना। और मैंने वो साइंस भी जो आशीष कॉकरोच के साथ कर रहा था। अच्छा फ्रॉक को कट कर दिया था तुमने? कैसे कट किया? मतलब कट नहीं किया, हमारी मैम ने सामने रखा। इनसे की ब्लेड जो ऑपरेशन ओपी ब्लेड होती है वो आपको यूज करनी है। लेट ऑफ टाइम हमें बताया गया कि आपको पेन की तरह कट किया। फिर हाँ कट किया, वो ऑलरेडी मरा हुआ था तो उसको थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा कट कर। मैंने तो इंसानों को कट किया, तुम मैंने पोस्टमार्टम किया हुआ है। हाँ बिना बात विद माय लाइक स्टाफ विद बिना बात कहाँ तुमने सिर्फ देखने गई थी तो मैं भी था वहाँ पर। नो मैं ऑफिस नॉट लाइक इंटर्नशिप एंड ऑल। हाँ अच्छा बाद में किया था। अच्छा पता नहीं लोग कैसी हाथ नहीं लगाया था बट लाइक देख मैंने किया है और हाथ नहीं लगाया। कैसी बात कर रही हो? हाँ, हाँ, हाँ। सोच कर देखो लोगों, दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान से सुनिए ये हमें क्या बनाना जा रही है। तो वीडियो बहुत अच्छी थी और जो डिफरेंस दिखाया है कॉमर्स वर्सेस आइटम मैंने तो बहुत एंजॉय किया। सो दोस्तों हमने भी बहुत एंजॉय किया। आपको पसंद आया तो देखा जाए तुम दोनों स्टूडेंट्स हैं। हाँ मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ एंड बायो स्टूडेंट। मैं आर्ट्स का भी मैं आर्ट्स भी कर सकता हूँ। मैं आर्ट बहुत ही मेरे अंदर आर्ट है। पता है देखो कितने आर्ट है। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी बताइएगा। बाल लाइक कीजिए इफ यू सब्सक्राइब चैनल एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग योर सजेशन। राइट दोस्तों सजेस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, हम आपको रिएक्ट करके बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, ऐसी वीडियो चलती रहेंगी। अब हम बाय टेक सेल्फिंग साइनिंग आउट। बाय। कॉमर्स और साइंस ऑल आर इक्वल एंड आर्ट्स आल्सो। सो बाय बाय।